हैं आप सब। तो आज मैं हूँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में, और मैं एक ऐसी जगह हूँ भोपाल जो सिटी ऑफ लेक्स है, वहाँ पे एक मस्जिद है जिसको भोपाल का दिल भी कहा जाता है, और उसका नाम है ताजुल मस्जिद, और इसका मतलब है मस्जिदों का ताज। और ये मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट की बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद है। बहुत से लोगों को लगता है कि जामा मस्जिद जो है दिल्ली की वो सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है। मैं आपको पहले मस्जिद को दिखाता हूँ, मस्जिद देखिए, इसके बारे में मैं और कुछ और ज़्यादा बहुत कुछ बताऊँगा आपको, बने रहिए आप। तो ये है वज़ू खाना, जिसको ये हाउस है जहाँ पे लोग वज़ू करते हैं, क्योंकि अपने इस्लाम में क्लीननेस की बहुत, हाइजीनिक की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब नमाज़ पढ़ते हो तो नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी होता है। और ये है हमारे अरकान भाई यूपी वाले जो वज़ू कर रहे हैं, हम भी वज़ू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, आया है तो। ओके गाइस, तो मैंने वज़ू कर लिया है, अभी हम जाएंगे मस्जिद के अंदर, देखूंगा और दिखाऊंगा मैं आपको मस्जिद के अंदर का इंटीरियर कैसा बना हुआ है। अभी तो दोस्तों, अभी हम मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं, और इस मस्जिद को बनवाया है नवाब शाहजहां बेगम ने। 1868 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आगे मैं और आपको बहुत कुछ बताऊंगा, और साथ ही साथ इस मस्जिद में एक मदरसा भी है जिसका नाम है दारुल उलूम ताजुल मसाजिद। और आप देख सकते हैं मस्जिद, पूरी मस्जिद पत्थर से बनी हुई है, लाल पत्थरों से। यही लाल पत्थर इस मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। और ये है जगह जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, और मिंबर है, और साथ ही साथ मस्जिद के अंदर ही बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। हम जब वहाँ पे गए थे तो बच्चों को ब्रेक दिया गया था, तो हमने अंदर जा कर के शूट किया। और ये जो आप बाहर रूम्स देख रहे हैं, ये बच्चों के क्लासरूम्स है जो यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। और मस्जिद के बाजू एक हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अभी हम देखते हैं इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को। आप ये जो अंदर डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सारे पत्थर से बने हुए पिल्लर्स, दीवार, ये सब पत्थर की दीवारें हैं। और आप इसको बारीकी से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस ज़माने में इसके कारीगरों ने क्या मेहनत की होगी। मतलब तो ऐसा रहा जैसे इसको मशीन से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसको एक्यूरेटली हाथों से तराशा गया है इस पत्थरों को, और इस ये डिज़ाइन दिया गया है। इस मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने के लिए भी अलग से अहतमाम किया गया है, और जो कि इस्लाम में पर्दे की बहुत मान्यता है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये जो दीवार आपको दिख रही है, इसके उस पार औरतों की नमाज पढ़ने की जगह है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जब औरतें उस तरफ से अगर देखेंगी तो मर्द के सिर्फ पैर दिखाई देंगे, और मर्द इस तरफ से देखेंगे तो मर्दों को सिर्फ आसमान दिखाई देगा, लेकिन आवाज़ उस पार जा सकती है। एक दूसरे इस पार से उस पार हम देख नहीं सकते, लेकिन आवाज़ उस पार जा सकती है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, और जो कि अल्लाह का घर है, तो हमें यहाँ पर आकर के बहुत सुकून मिला। अभी हम बात करते हैं इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के बारे में। इस मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ था 1868 में, जो नवाब शाहजहां बेगम ने स्टार्ट करवाया था, और 1901 में उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहान बेगम ने इसके कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया टिल 1926। उनकी डेथ के बाद ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, पैसों की कमी के कारण इसके कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट पे डाल दिया गया। तकरीबन 50 से 60 साल तक इस मस्जिद का काम बंद हो चुका था। फिर 1971 में आज़ादी के बाद इसके कंस्ट्रक्शन को दोबारा से शुरू किया गया, और 1985 में ये मस्जिद मुकम्मल तरीके से तैयार होकर खड़ी हो गई। और इस मस्जिद के दो मीनारे हैं, इस मीनारों की हाइट है 67 मीटर्स, एक मीनार 67 मीटर्स हाइट है, और मीनार के ऊपर छोटा सा गुंबज बना हुआ है संगमरमर का, और मस्जिद के बीच में, मस्जिद के ऊपर तीन गुंबजें हैं संगमरमर के बने हुए, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।
ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 1,75,000 से भी ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक इस मस्जिद को एज अ वैक्सीनेशन सेंटर यूज़ किया गया था, और इसको भोपाल का दिल भी कहा जाता है, जो मस्जिदों का ताज है, ताजुल मसाजिद। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।